कैटेगरी में बांटा गया है ना। इसे कितने कैटेगरी में? तीन कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है जिसे हम कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड वेव। इंफ्रासोनिक साउंड वेव का मतलब जिसे हम क्या कहते हैं, पर अनु श्रव्य ध्वनि तरंग। इंफ्रासोनिक साउंड वेव का मतलब क्या होता है? अनुश्रव्य ध्वनि तरंग। दूसरी बात करें दोस्तों तो आपका क्या होता है, ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड है ना, यानी कि जो कि श्रव्य तरंगे जिसे हम लोग कहते हैं, श्रव्य ध्वनि तरंगे। और तीसरा होता है दोस्तों जिसे हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड वेव, या फिर जिसे हम कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। इस चीज को भी आप याद रखें। तो दोस्तों अब इसकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर इसे किसमें बांटा गया है? तीन कैटेगरी में बांटा गया है। जो इंफ्रासोनिक साउंड होता है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? लेस देन 20 हर्ट्ज होती है। ऑडिबल साउंड जो होता है दोस्तों इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है तो याद रखिएगा 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज, यानी कि 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। इसे आप 20,000 हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। और जो दोस्तों पराश्रव्य तरंगें होती है इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है ये मोर देन 20,000 हर्ट्ज या फिर मोर देन 20 किलो हर्ट्ज होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। जो हमारा ईयर है, ह्यूमन ईयर जो सुन सकता है साउंड को, वो कौन सा सुन सकता है? वो दोस्तों ऑडिबल साउंड सुन सकता है। यानी कि हमारे कान के लिए जो जिस फ्रिक्वेंसी का साउंड चाहिए वो कौन सा है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच का साउंड जो है वो हमारा ईयर सुन सकता है। बात करते हैं दोस्तों इंफ्रासोनिक या अनुश्रव्य तरंगों की। इस अनुश्रव्य तरंगों को कौन सुन पाएगा? यह अल्ट्रासोनिक साउंड या पराश्रव्य तरंगों को कौन सुन पाता है इसकी हम चर्चा करते हैं। और उसके बाद हम लोग फिर बात करेंगे कि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव के क्या क्या यूजेस हैं। आप लोग से सवाल है मेरा कि ये जो ईयर है, ईयर यानी कि जैसे हम कान कहते हैं, इस कान की स्टडी को क्या कहा जाता है? आप लोग ये बताइए, व्हाट इज स्टडी ऑफ ईयर, आप लोगों को ये कमेंट में बताना है, फिर हम चलेंगे इसके आगे। ठीक है, चलिए। तो जब हम बात करते हैं दोस्तों इंफ्रासोनिक साउंड वेव की, है ना, इंफ्रासोनिक साउंड वेव की बात करते हैं तो ये कौन कौन सुन सकते हैं इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको एक सवाल भी करवाएंगे अभी हम, है ना, जो पिछला हमने एक पिछली क्लास में जो एक फॉर्मूला लिखा था उस पर हम लोग सवाल भी करेंगे। ठीक है, इसका दोस्तों याद रखिएगा जो इसे सुन सकता है कौन कौन सुन सकता है, तो हाथी यानी एलिफेंट, कुत्ता यानी डॉग, है ना, इसके बाद दोस्तों राइनोस यानी गेंडा, है ना, इसके बाद दोस्तों सांप यानी स्नैक, है ना, इसके बाद दोस्तों बिल्ली, बिल्ली यानी कैट। ये सभी दोस्तों क्या होता है ना, इंफ्रासोनिक साउंड वेव को ये सुन सकते हैं। ठीक है ना, ये सभी इंफ्रासोनिक साउंड वेव को सुन सकते हैं। और व्हेल भी याद रखिएगा, ब्लू व्हेल जो होता है ना, व्हेल मछली, वो भी सुन सकता है इसका। मेरा आपसे दूसरा सवाल है, है ना, मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि जो हाथी है, हाथी का कौन सा दांत बाहर निकला होता है? सवाल पूछ रहा हूं तो कोई नहीं जवाब देगा, है ना, जो सवाल पूछा है उसका जवाब दो ना, कि ईयर की स्टडी को क्या कहते हैं आप लोग ये बताइए। ठीक है, और हाथी का कौन सा दांत बाहर निकला होता है आपको ये बताना है। जब हम बात करते हैं दोस्तों अल्ट्रासोनिक साउंड की तो ये कौन कौन सुन सकता है, याद रखिएगा बैट और डॉल्फिन यानी चमगादड़। चमगादड़ जो होता है बैट, और दोस्तों डॉल्फिन, डॉल्फिन या जिसे हम कहते हैं सोंस। अच्छा, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है आप लोग ये बता सकते हैं? Where is National Dolphin Research Institute? National Dolphin Research Institute कहाँ पर है आप लोग ये बताइए। हाँ जी, ठीक है, फिर हम इसके आगे चलते हैं। ईयर की स्टडी को बिल्कुल ओटोलॉजी कहते हैं, है ना, ठीक है।